नमस्कार दोस्तों, चलिए आज देखते हैं कि कौन सी टीम कैसे क्वालिफाई कर सकती है आईपीएल 2020 में। पॉइंट टेबल एनालिसिस देख लेते हैं और साथ में हर एक टीम को कैसे खेलना होगा आईपीएल 2020 में बने रहने के लिए। पूरा वीडियो देखिए और जानिए आप जिसके स्पोर्टर है वह टीम क्वालिफाई करेगी कि नहीं और करेगी तो कैसे करेगी। चेन्नई पहले से ही बाहर हो चुकी है तो उनके बारे में बात नहीं करेंगे। मुंबई इंडियंस भी क्वालिफाई कर चुकी है, अब देखते हैं दिल्ली कैपिटल क्या करेंगे और कैसे क्वालिफाई कर सकती है। लगातार 4 मैच हार चुकी दिल्ली को अब टूर्नामेंट में अपने दम पर आगे बढ़ने के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ अपना अंतिम मैच जीतना होगा। दिल्ली के 13 मैचों से 14 अंक हैं। अगर वह बेंगलोर के खिलाफ जीत जाता है तो वह लीग राउंड में 16 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहेगा। इसका मतलब है कि उसके पास मुंबई की तरह फाइनल में पहुंचने के 2 मौके होंगे। अगर वह बेंगलोर के खिलाफ हार जाए तो क्या होगा? बेंगलोर के खिलाफ मैच हारने के बाद दिल्ली निम्नलिखित 3 में से 2 मुकाबलों में क्वालिफाई करेगी। 1. पंजाब के 12 अंक हैं और अगर वे आज चेन्नई के खिलाफ हार जाते हैं तो वे 12 अंकों के साथ सीजन का अंत करेंगे। 2. सनराइजर्स के 12 अंक हैं और यह उनका अंतिम लीग मैच है। अगर वे मुंबई इंडियंस के खिलाफ हार जाते हैं तो सीजन 12 अंकों के साथ समाप्त हो जाएगा। मर्जी 3. कोलकाता राजस्थान दोनों में 12-12 अंक हैं और उनका अंतिम मैच एक दूसरे के खिलाफ है। कोलकाता में वर्तमान में शुद्ध रन रेट -0.467 और राजस्थान -0.377 है, जबकि दिल्ली -0.159। उस स्थिति में जो कोई भी कोलकाता या राजस्थान से जीतता है वह इस अंतर से जीतता है कि उसकी नेट रन रेट दिल्ली से है। आइए अब बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की। तो दिल्ली की राजधानियों की तरह बेंगलोर की किस्मत उनके हाथों में है। अगर वे दिल्ली के खिलाफ अपना अंतिम मैच जीतते हैं तो वे शीर्ष -2 में समाप्त हो जाएंगे और क्वालिफायर -1 में मुंबई इंडियंस का सामना करेंगे। अगर वे यह मैच हार जाते हैं तो क्या होगा? दिल्ली के खिलाफ मैच हारने के बाद बेंगलोर निम्नलिखित 3 में से 2 मुकाबलों में क्वालिफाई करेगी। 1. पंजाब के 12 अंक हैं और अगर वे आज चेन्नई के खिलाफ हार जाते हैं तो वे 12 अंकों के साथ सीजन का अंत करेंगे। 2. सनराइजर्स के 12 अंक हैं और अगर वे मुंबई इंडियंस के खिलाफ अपना अंतिम लीग मैच हार जाते हैं तो 12 अंकों के साथ सीजन का अंत करेंगे। 3. कोलकाता राजस्थान दोनों में 12-12 अंक हैं और उनका अंतिम मैच एक दूसरे के खिलाफ है। कोलकाता में वर्तमान में शुद्ध रन रेट -0.467 और राजस्थान -0.377 है, जबकि दिल्ली -0.159। उस स्थिति में जो कोई भी कोलकाता या राजस्थान से जीतता है वह इस अंतर से जीतता है कि उसकी नेट रन रेट दिल्ली से अधिक नहीं होती है। सनराइजर्स हैदराबाद कैसे कर पाएगी क्वालिफाई? वर्तमान में 12-12 अंकों की 4 टीमों में से सबसे अच्छी नेट रन रेट सनराइजर्स हैदराबाद की है। दिल्ली कैपिटल और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को लगातार 2 मैचों में हराकर उनकी नेट रन रेट 0.555 है। उनके लिए समीकरण सरल है। अगर वे मुंबई इंडियंस के खिलाफ अपना अंतिम मैच जीतते हैं तो उन्हें प्लेऑफ में जगह मिल जाएगी और अगर वे हार जाते हैं तो उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाएगा। मुंबई के 18 अंक हैं, बेंगलोर दिल्ली 14-14 और राजस्थान कोलकाता 12-12 हैं। इस प्रकार राजस्थान कोलकाता के विजेता के भी 14 अंक होंगे और हैदराबाद 12 अंकों पर अटक जाएगी। किंग्स 11 पंजाब में देखे तो बहुत मेहनत जरूरी है। लगातार 5 मैच जीतकर लीग में पंजाब का उछाल धोनी की सेना को खराब कर सकता है। पंजाब के 13 मैचों में 12 अंक हैं और अगर आज चेन्नई के खिलाफ हार जाते हैं तो उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन मैच जीतने से उन्हें 100% प्लेऑफ में जगह नहीं मिलती। क्यों, आइए समझते हैं। अगर पंजाब मैच जीत जाता है तो उसके 14 अंक होंगे। बेंगलोर दिल्ली में 14-14 अंक हैं। विजेता टीम के 16 अंक होंगे और हारने वाली टीम 14 अंकों पर लटकेगी। अब पंजाब का नेट रन रेट बेंगलोर और दिल्ली दोनों से बेहतर है, तो जो भी बेंगलोर दिल्ली में हारता है अगर पंजाब जीतता है तो वह उनके पीछे होगा। 2 स्थान शेष रहने पर पंजाब को हैदराबाद और कोलकाता राजस्थान के विजेताओं से लड़ना होगा। अगर हैदराबाद जीत जाती है तो वे आएंगे,
इसलिए अंतिम स्थान बचा है जिसमें उन्हें कोलकाता राजस्थान के खिलाफ लड़ना है। दोनों का नेट रन रेट पंजाब से भी खराब है। अगर पंजाब चेन्नई के खिलाफ सिर्फ एक रन से जीत जाता है तो राजस्थान को उससे बेहतर रन बनाने के लिए 64 रन या 43 गेंदों में जीत हासिल करनी होगी। इस स्थिति में कोलकाता को 86 रन या 64 गेंद शेष रहते जीतना है। इस प्रकार पंजाब के लिए मैच जीतने की योग्यता की संभावना अधिक है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। मत भूलो, अगर तुम हार गए तो इसे खत्म कर दिया जाएगा। राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स आज क्वालिफाई करेगी यदि वे कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब के खिलाफ चेन्नई के खिलाफ जीतती है, जबकि हैदराबाद मुंबई के खिलाफ अपना अंतिम मैच हार जाती है। राजस्थान के भी 12 अंक हैं, लेकिन कोलकाता के खिलाफ मैच जीतना उसके लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि बेंगलोर, दिल्ली, पंजाब और हैदराबाद सभी की नेट रन रेट उनसे बेहतर है। कोलकाता नाइट राइडर्स का नेट रन रेट -0.467, राजस्थान रॉयल्स 0-377 से भी ज्यादा खराब है। इस प्रकार राजस्थान के खिलाफ अंतिम मैच जीतना उनके लिए पर्याप्त नहीं है। उन्हें यह भी प्रार्थना करनी होगी कि चेन्नई पंजाब के खिलाफ जीत जाए और मुंबई हैदराबाद के खिलाफ जीत जाए। Hey viewer, subscribe to my channel and press the bell icon for latest updates. Thanks for watching. Hope you enjoyed at Universe Origin. Like, comment and share videos. Suggest for more video in comment. Contact for promotion.